हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्ड एंड राइस। तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि सही स्टेटमेंट कौन सा है। कि इट इज विटामिन ए एनरिच्ड विद अ जीन फ्रॉम डेफोडिल, इट इज पेस्ट रेजिस्टेंट विद अ जीन फ्रॉम बैसिलस थुरिंजिनेसिस, इट इज ड्रॉट रेजिस्टेंट डेवलप यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, या इट हैज येलो ग्रेन्स बिकॉज ऑफ अ जीन इंट्रोड्यूस फ्रॉम अ प्रिमिटिव वेराइटी ऑफ राइस। सो स्टार्ट करते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट के साथ। और यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है इट इज अबाउट गोल्डन राइस। सो क्वेश्चन में भी हमने देखा कि गोल्डन राइस की बात हो रही है। सो पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज गोल्डन राइस। सो बेसिकली ये ना एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट है। और प्लांट भी कैसा प्लांट है, इट्स अ वेराइटी ऑफ राइस। इसको इंजीनियर किया गया, इसको बनाया गया टू प्रोड्यूस बीटा कैरोटीन। ओके, ये चीज हमें याद रखनी है ताकि बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस हो। और ये बीटा कैरोटीन क्या है, ये है एक प्रीकर्सर ऑफ किसका, विटामिन ए का। सो ये चीजें हमें याद रखनी है कि ये प्रोड्यूस, ये जो बनाया गया था ताकि ये बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस करे जो कि प्रीकर्सर है विटामिन ए का। सो इस मॉडिफिकेशन में, दिस मॉडिफिकेशन इट इन्वॉल्व, जब ये मॉडिफिकेशन की गई तो इसपे ना हमने क्या इन्वॉल्व किया, जीन्स इन्वॉल्व किए, वो भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के, फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। ओके, एंड इसके साथ हमने कुछ जीन्स डेफोडिल के भी यूज किए। अब क्वेश्चन आता है कि डेफोडिल के जीन्स क्यों यूज किए। ये जो डेफोडिल, ये जो हमने पूरा यूज किया ना, जो बाकी ऑर्गेनिज्म से जो जीन्स लिए डेफोडिल से लिए, वो इसलिए किया गया ताकि जो विटामिन ए की जो डिफिशियंसी होती है ना, उससे कॉम्बैट किया जाए। कि भाई वो जो विटामिन ए की डिफिशियंसी हो रही थी बच्चों में, वो अब देखने को ना मिले, स्पेशली उन रीजन्स में जहां पे राइस इज अ स्टेपल फूड। तो इसीलिए ये गोल्डन राइस को जेनेटिकली मॉडिफाई किया। सो ये था हमारा की कॉन्सेप्ट। अब हम क्वेश्चन के ऑप्शन देखते हैं। कह रहे हैं कि इट इज विटामिन ए एनरिच्ड, मतलब भरपूर अमाउंट में है, विद अ जीन फ्रॉम डेफोडिल। ये तो हमने यहाँ मेंशन किया था कि डेफोडिल से जीन लिए हैं। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। अब विटामिन ए एनरिच्ड क्यों है, विटामिन ए एनरिच्ड इसलिए है क्योंकि ये जो गोल्डन राइस है ना, इसको प्रोड्यूस किया गया था, इसको इंजीनियर किया गया था ताकि हमारी बॉडी में बीटा कैरोटीन बनाए, जो कि क्या है, विटामिन ए का प्रीकर्सर। तो वो विटामिन ए बनाएगी हमारी बॉडी में। ऑल्सो ये फूड को, विटामिन ए डिफिशियंसी को खत्म करने के लिए बनाया गया था। अच्छा, अब बी देखते हैं। बी कह रहा है इट इज पेस्ट रेजिस्टेंट विद अ जीन फ्रॉम बैसिलस थुरिंजिनेसिस। ये बैसिलस थुरिंजिनेसिस का नाम हमने पहले भी सुना है, और वो सुना था हमने बीटी कॉटन में। सो देखो, ये जो बात कर रहे हैं ना बैसिलस थुरिंजिनेसिस की, वो बीटी कॉटन को डिस्क्राइब कर दिया इन्होंने। इन्होंने गोल्डन राइस को डिस्क्राइब नहीं किया, राइट। सो इसीलिए ये आंसर हो गया इनकरेक्ट। अब नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है इट इज ड्रॉट टॉलरेंट, मतलब कि अगर बाढ़ आ जाती है तो वो प्लांट जो उसको टॉलरेट कर लेगा, डेवलप यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। अभी इन्होंने किसकी बात की, इन्होंने गोल्डन राइस की बात की कि गोल्डन राइस जो है वो ड्रॉट रेजिस्टेंट है क्योंकि उसमें हमने एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर यूज किया है। सो देखिये, ये जो गोल्डन राइस था ना, इसको बनाने का रीजन क्या था कि टू इंक्रीज द न्यूट्रिशनल वैल्यू, जो भी उस टाइम पे थी नॉर्मल राइस की, उससे ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू हमें इंक्रीज करनी थी, तो इसीलिए हमने ये गोल्डन राइस को इंजीनियर किया। लेकिन ये कह रहे कि ये तो डॉट टॉलरेंट है क्योंकि हमने इसमें एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर यूज किया है। सो देखिए, ये जो सी वाला ऑप्शन है जिसमें कह रहा था कि गोल्डन राइस जो है वो ड्रॉट रेजिस्टेंट है, पहली बात तो ऐसा नहीं है, रीजन रॉन्ग है। रॉन्ग होने का रीजन इसलिए है क्योंकि ये कह रहे थे कि ड्रॉट रेजिस्टेंट है क्योंकि हमने एग्रोबैक्टीरियम का यूज किया। पहली बात तो जो गोल्डन राइस है वो ड्रॉट रेजिस्टेंस नहीं है, वो मतलब उसका जो प्राइमरी रीजन था वो क्या था, प्राइमरी रीजन तो था न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने का, राइट। ऑल दो एग्रोबैक्टीरियम वैक्टर यूज करके डिजीज रेजिस्टेंस को बढ़ाया जा सकता है, बट ये चीज गोल्डन राइस में नहीं है। ये चीज गोल्डन राइस में हमें देखने को नहीं मिली, हमें गोल्डन राइस को इंजीनियर ही किया ताकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बने, इसलिए नहीं कि वो ड्रॉट रेजिस्टेंट बने। सो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया।
अब डी ऑप्शन कह रहा है दैट इट हैज येलो ग्रेन्स बिकॉज ऑफ अ जीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्रिमिटिव वैरायटी ऑफ राइस। सो देखो जो गोल्डन राइस होते हैं, गोल्डन राइस में आपको येलो ग्रेन्स देखने को मिलते हैं, बट वो इसलिए नहीं है कि कोई पुराना वैरायटी आया है या उसमें इंट्रोड्यूस किया गया। नो, दिस इज ड्यू टू बीटा कैरोटीन, दिस इज ड्यू टू बीटा कैरोटीन जिसकी हमने अभी जस्ट बात की थी, बीटा कैरोटीन की प्रोडक्शन की वजह से, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ प्रिमिटिव राइस वेराइटी। सो ये रीजन भी गलत हो गया। सो द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन ए दैट इट इज विटामिन ए एनरिच्ड विद अ जीन फ्रॉम डैफोडिल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।